स्टूडेंट्स, SBN कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस चैप्टर या इस बुक के बच्चे और बचपन की अंतिम यूनिट में चल रहे हैं, जिसमें से हमने अंतिम यूनिट में दो तीन शिक्षण विधियां कर ली थी, जैसे जीवन इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि, ये हमने पूरी कर ली थी। अब हम तीसरी जो आत्मनिष्ठ विधि हैं उसकी एक विधि है अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि देखो, यहाँ में अंतर्दर्शन विधि की अगर हम चर्चा करें कि अंतर्दर्शन विधि होती क्या है और कैसे इसमें किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। पहले बात तो हम करते हैं कि इस विधि के प्रतिपादक हैं वो कौन हैं। तो विधि के प्रतिपादक हैं विलियम वुंट। इस विधि के प्रतिपादक विलियम वुंट हैं। अंतर्दर्शन विधि को वुडवर्थ महोदय ने आत्मनिरीक्षण विधि कहा है। किसने कहा है? वुडवर्थ ने इसे क्या कहा है? आत्म निरीक्षण। देखो, यहाँ ध्यान देने की बात है कि निरीक्षण विधि अलग है और आत्मनिरीक्षण विधि अलग है। अब यहाँ हम बात करें थे अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन का मतलब है अपने आप का अंतःदर्शन करना, अपने आप का दर्शन करना। एक व्यक्ति द्वारा अपने व्यवहार का अध्ययन करके, खुद ही अपने व्यवहार का अध्ययन करता है, अर्थात इसमें अध्ययन करता और प्रोज्य यानी जिस पर हम प्रयोग कर रहे हैं, ये दोनों एक ही व्यक्ति होता है। अपने व्यवहार का अध्ययन करके दूसरे व्यक्ति को बताता है, फिर उसका आंक या लिखा जाता है, फिर उसका आकलन किया जाता है उसी व्यक्ति द्वारा। जैसे मैं मेरे व्यवहार को राइट में लिखूँगा या उसका आकलन करके बोल के फिर कहीं पर रिकॉर्ड करूँगा, फिर उसका मैं ही अध्ययन करूँगा कि मेरा व्यवहार सही है या गलत है। ऐसा कार्य अंतर्दर्शन विधि के अंतर्गत किया जाता है, यानी एक व्यक्ति द्वारा उसके व्यवहार का अध्ययन उसी के द्वारा किया जाता है। वह विधि कौन सी कहलाती है? अंतर्दर्शन विधि कहलाती है। इसे वुडवर्थ ने आत्मनिरीक्षण अपने आप का या अपने आप के व्यवहार का निरीक्षण करना ही आत्मनिरीक्षण अध्ययन कहलाता है। यह विधि सबसे पुरानी विधि है, जिसे हम कहें प्राचीनतम विधि है, परंपरागत विधि है, परंपरागत रूप से चली आ रही है। बहुत ही, वैसे तो विधि बहुत ही टफ है, लेकिन इसमें कोई खर्चा नहीं आता, क्योंकि मेरे व्यवहार का मैं अध्ययन कर रहा हूँ, तो मैं लिखित में कागज़ पेंसिल पे करूँ या बोल कर रिकॉर्ड करके करूँ, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता। न ही प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है, न तो खर्चा आता है और न ही प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है, क्योंकि सामान्य रूप से व्यक्ति अपने व्यवहार का अध्ययन कहीं भी शांत जगह बैठकर कर सकता है। तो जितनी ईजी है, सॉरी मैं इसे ईजी नहीं कह सकता, क्योंकि ये एक इस विधि का अवगुण है, गुण है कि खर्चीली कम है, प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं, परंपरागत विधि है, प्राचीन समय से चली आ रही है। लेकिन अवगुण यह है कि इस विधि के द्वारा हर कोई अपने व्यवहार का अध्ययन नहीं कर सकता, क्योंकि अध्ययन जिसका हो रहा है वही अध्ययन कर रहा है, दो क्रियाएं एक साथ करना बहुत कठिन होता है। नेक्स्ट, अगर मैं मेरे व्यवहार के बारे में किसी को बताऊंगा, तो मैं अपनी गलतियों को छुपाऊंगा और अपनी अच्छाइयों को प्रकट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति मेरे व्यवहार का अध्ययन करेगा तो मेरी कमजोरियों को पकड़ लेगा, अर्थात इस विधि के माध्यम से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहार की कमजोरियों का पता लगाना बहुत ही कठिन है। एक के सामान्य कहें कि अपने मुँह है मिट्ठू बनना, अपने बड़ाई खुद करना, वो यही विधि के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार का प्रकट होता है, क्योंकि अपने आप की बुराई कोई भी नहीं करेगा, अगर करता है तो भी पूर्णतः नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि इस विधि के द्वारा किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना और अध्ययन करने के बाद उसके परिणाम हैं वो विश्वसनीय नहीं है और न ही वैध हैं।
यानी जिसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। वैद्य का मतलब जिस उद्देश्य के लिए हम कोई कार्य कर रहे हैं और उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है तो वह परीक्षण वैद्य नहीं कहलाता। और विश्वसनीयता का मतलब है बार बार किसी क्रिया का पर अगर हम परीक्षण कर रहे हैं तो उसके परिणाम अगर हर बार समान प्रकार के आते हैं तो वह विश्वसनीय होता है। लेकिन यह विधि न तो विश्वसनीय है और न ही वैद्य है। सामान्य बालक या सामान्य व्यक्ति हो या पागल व्यक्ति, मंदबुद्धि व्यक्ति, इनके व्यवहार का अध्ययन कठिन है। हाँ, विशिष्ट बालकों के व्यवहार का अध्ययन इसके द्वारा संभव हो सकता है जो अपनी कमजोरियों को न छुपाकर उजागर करना चाहते हैं। पागल व्यक्ति मंदबुद्धियों के लिए भी ये उपयोगी सहायक नहीं है। विलियम जेम्स ने इस विधि के लिए कहा है, किस विधि के लिए? अंतर्दर्शन विधि के लिए कहा है कि इस विधि के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना उतना ही कठिन है जितना कि यह पता लगाना कि अंधेरा कैसा होता है। अब देखो, यहाँ देखने की बात है कि अंधेरा कैसा होता है, तो सामान्यतः एक ही जवाब आता है कि अंधेरा काला होता है। तो काले तो सिर के बाल भी होते हैं, क्या वो अंधेरा है? काला तो तेल भी होता है, काला तो अपना मार्कर जब चलता है तो ब्लैक चलता है, काला वो भी है। तो क्या जो भी चीज़ काली होती है वो अंधेरा थोड़ा हुआ? अर्थात विलियम जेम्स ने कहा था कि बहुत सारा प्रकाश जलाओगे तब पता लगेगा कि अंधेरा कैसा है। अर्थात इस विधि के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन करने के लिए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। उस प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति ही अपने व्यवहार का अध्ययन अंतर्दर्शन विधि के माध्यम से कर सकता है, सामान्य व्यक्तियों के बस की बात नहीं है। ये प्राचीन है, वर्तमान समय में इसका किसी भी स्तर पर प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो ये तो है अंतर्दर्शन विधि। इसके बाद में हम बात करते हैं आत्मनिष्ठ विधियों में। कौन सी विधियों में? आत्मनिष्ठ विधियों में दो विधियां होती हैं आत्मनिष्ठ विधियों में, एक अंतर्दर्शन और दूसरी वर्णन गाथा। यानी किसी घटना के बारे में, इसके कोई प्रतिपादक नहीं माने जाते, किसी घटना के बारे में विस्तृत रूप से उसके बारे में बताया जाता है और व्यक्ति खुद ही या तो लिखकर अपने पास रखता है या रिकॉर्ड करता है और उसको गाथा के रूप में एग्जाम्पल या एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। वही कौन सी विधि है? वर्णन गाथा। अर्थात दोनों ही, ये सामान्यतः इसी का एक पार्ट माना जाता है। बड़ी विधि तो है अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि का सबसे एक इम्पोर्टेंट तथ्य यह है कि एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग विलियम वुंट ने 1879 में किया था। इस अंतर्दर्शन विधि का उपयोग करके ही विलियम वुंट ने जर्मनी के लीपजिंग शहर में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। किसने की थी? विलियम वुंट ने। इसी कारण विलियम वुंट को प्रथम विज्ञानमयी मनोविज्ञान के जनक माना जाता है, विज्ञानमयी मनोविज्ञान के जनक, अर्थात फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी एज साइंस के प्रतिपादक या जनक कौन है? विलियम वुंट है। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1879 ईस्वी में, कब? 1879 ईस्वी में जर्मनी के लीपजिंग शहर में स्थापित की थी। इस कारण इस विलियम वुंट को प्रथम प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक। क्यों? क्योंकि जर्मनी के लीपजिंग शहर में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट ने की थी। उस प्रयोगशाला में विलियम वुंट ने इसी अंतर्दर्शन विधि का उपयोग किया था। लेकिन कुछ समय बाद यही विधि विलियम वुंट के चेतना नामक मनोवैज्ञानिक को खारिज कराने में भी एक योगदान साबित होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई आत्मनिष्ठ विधि या अंतर्दर्शन विधि। इसके बाद में हम बात करते हैं निरीक्षण विधि।
प्रतिपादक हैं वाटसन। वाटसन महोदय का मानना है कि एक व्यक्ति दूसरों की क्रियाओं का बाह्य रूप से अवलोकन करके उसका जो निरीक्षण करता है वह तरीका ही निरीक्षण विधि कहलाता है। अर्थात कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है या कोई व्यक्ति बैठा है अपने मोबाइल में लग रहा है या और किसी कार्य में लग रहा है और उस क्रिया विधि को दूर बैठा व्यक्ति अगर आकलन कर रहा है प्रत्यक्ष रूप से करे या कैमरे के माध्यम से करे, वो जो अवलोकन किया जा रहा है वही क्या कहलाता है? निरीक्षण विधि कहलाता है। यानी बाह्य दूर बैठे व्यक्ति के क्रियाकलाप का भाई दूसरा व्यक्ति, दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, दूसरा व्यक्ति उसका आकलन करता है वह निरीक्षण विधि कहलाती है। निरीक्षण विधि के जनक वाटसन महोदय माने जाते हैं। अब ये व्यवहार का आकलन या क्रियाकलापों का आकलन दो प्रकार से होता है, एक औपचारिक तरीके से, एक अनौपचारिक तरीके से। निरीक्षण का औपचारिक तरीका विद्यालय जीवन की कक्षा कक्ष में या विद्यालय परीक्षण के अंतर्गत किया जाता है, जहाँ एक विशेष प्रकार की परिस्थिति होती है, विद्यालय का एक निश्चित समय होता है और निश्चित क्रियाकलाप होती हैं, उसके अंतर्गत व्यक्ति को कार्य करना होता है और उन कार्यों का आकलन या निरीक्षण औपचारिक तरीके से किया जाता है, वो तो होता है औपचारिक निरीक्षण। दूसरा निरीक्षण है वो अनौपचारिक, जैसे घर बैठे व्यक्ति, बस में जाते हुए व्यक्ति, रास्ते में चलते हुए व्यक्ति या घूमने फिरने शादी ब्याह में किसी व्यक्ति के व्यवहार को बाह्य रूप से देखा जाता है तो वह कौन सा कहलाता है? अनौपचारिक निरीक्षण कहलाता है। खेल परिसर में या कहीं भी भ्रमण करने के लिए बच्चे निकलते हैं तो उस दौरान उनके व्यवहार का पता लगाया जाता है और वो जांच की जाती है, वह अनौपचारिक तरीके से की जाती है। वहाँ उद्देश्य तो निश्चित होता है किसका? निरीक्षणकर्ता का, लेकिन समय, स्थान, अवधि निश्चित नहीं होती। वो कौन सा तरीका है? अनौपचारिक तरीका। अर्थात निरीक्षण दो प्रकार से होता है, वाटसन महोदय ने बताया, एक औपचारिक तरीके से और दूसरा अनौपचारिक तरीके से। तो आज हमने तीन विधियों के बारे में पढ़ी, पहले अंतर्दर्शन विधि, फिर वर्णन गाथा और तीसरी है निरीक्षण विधि। अंतर्दर्शन विधि विलियम वुंट ने दी और निरीक्षण विधि वाटसन महोदय ने दी है। यह हमारा BSCC फर्स्ट ईयर का संपूर्ण कोर्स संपन्न होता है। ज़्यादातर क्लासें हमारी ऑफलाइन में क्लियर हो चुकी थी और अब हमारा कुछ सिद्धांत बचे थे वो हमने करवा दिए। कुछ रिपीटेड बालकों ने डिमांड की थी कि सर दोबारा कुछ टॉपिक्स को क्लियर करवाया जाए, तो वो टॉपिक्स भी फिर क्लियर करवा दिए, जैसे संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास। इसके बाद में आगे की कुछ विधियाँ बची थी, तो ये विधियाँ पूरी होती हैं तो हमारा सिलेबस भी संपूर्ण होता है।